हेलो एवरीवन, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ निदा आमिर और आपके साथ एक बहुत छोटी सी रेसिपी शेयर करने के लिए आई हूँ। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी है और काफ़ी सालों से मैं ये रेसिपी यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा माशाल्लाह पिज़्ज़ा बनता है, ज़रूर ट्राई करें आप लोग। 1 टेबल स्पून मैंने ईस्ट का इस्तेमाल किया है, 1 टेबल स्पून चीनी है, 1/2 टीस्पून नमक है। 1 अंडा ऐड करें और तकरीबन देखें आपके सामने पानी है 1 प्याली के करीब जो कि गर्म है। और बस इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको थोड़ी देर रख दूँगी साइड पर। और ये ऐसी डो है कि आप इसको तवे में बनाएं या ओवन में बनाएं, हमेशा बहुत अच्छी बनती है। और बस इसके अलावा देखिए, मैंने 3 कप इसके अंदर मैदा यूज़ किया है। कोई आपको बेकिंग पाउडर सोडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी रेसिपी है। बस देखिए, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और नीम गरम दूध से आपने इसको तकरीबन 1 कप दूध लेना है, वो आपने मिक्स करना है अच्छी तरह। जब आपने गूनना है, नीम गरम दूध से आपने गूनना है। और जो मिक्सचर रखा हुआ था, जो कि हमने वो आपके सामने ढक के रखा हुआ है, उसको मैं ऐड करूँगी। और जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, पहले वो मिक्सचर ऐड कर लें और बाद में फिर दूध ऐड करें, ताकि फिर बहुत ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए। और अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड फील हो, थोड़ा सा और मैदा डस्ट कर सकते हैं। उसको आप 1 से 2 घंटे किसी गर्म जगह पर रखें, तो हॉट पॉट में बहुत अच्छा सा राइज हो जाता है। इसके अलावा बस देखिए, मैं तवे पकाई थी, बिल्कुल रोटी की तरह पका रही हूँ। दोनों तरफ से आप पका लें। और पिज़्ज़े की जो आप पहली साइड ऐड करेंगे तवे के ऊपर, उस पर आपने सारी चीज़ें लगानी है, ताकि नीचे से अच्छी तरह पक जाएगा हल्की आंच पे। लेकिन जैसे चीज़ पिघलाने के लिए मैं ग्रिल का इस्तेमाल करती हूँ। ओवन में कुछ मिनट के लिए आप जैसे 5 मिनट के लिए रखेंगे, तो बहुत अच्छा सा चीज़ मेल्ट हो जाता है। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस ऐड करें इसके ऊपर। और ये 2 पिज़्ज़ा लार्ज साइज़ के बनते हैं और मीडियम साइज़ के 4 पिज़्ज़ा बन जाते हैं इस रेसिपी में। ज़रूर ट्राई करें रेसिपी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और बहुत अच्छी तरह स्टिक हो जाता है इसके ऊपर जो भी आप चीज़ें लगाएंगे। तो बस इसके अलावा अच्छा सा चीज़ का इस्तेमाल करें आप, और घर बैठे बैठे देखें कितने मज़ेदार से आपको पिज़्ज़ा मिल गए। तो बस अच्छी अच्छी रेसिपीज़ घर में ट्राई किया करें। और बहुत जब जैसे ही आप सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजें, तो डो इसकी रेडी करके रखें, ताकि जब बच्चे आने वाले हों स्कूल से, तो आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। टिक्का बना के रखें और फिर गर्म गर्म ही आप सर्व करें इसको, तवे में बना लें डो को। और बस जो चीज़ ऊपर मेल्ट होगी, उसके लिए ओवन का इस्तेमाल कर लें। अगर ओवन नहीं है, तो बहुत ही लाइट आंच पे जैसे आप पकाएंगे, तो उससे भी आपकी चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाती है। इसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल कर रही थी, कुछ हर्ब्स थी, कुछ रेड वाली जो मिर्ची होती हैं वो थी। और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सा ये हमारे पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। और मैंने बहुत सी ग्रुप्स में और स्टेटस पे अपने लगाया था पिज़्ज़ा, तो सब यही समझ रहे थे कि मार्केट का पिज़्ज़ा है। तो इसी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि घर वालों से आप दाद वसूल करें और बहुत मज़ेदार से उनको पिज़्ज़ा लगे आपके, तो ज़रूर ट्राई करें रेसिपी और बताएं कि आपको आज का पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी है और आप कब ट्राई कर रहे हैं। बस इसके अलावा बस इसकी हम कटिंग करेंगे, इंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी हमने बाहर जाना था कुछ ग्रॉसरी लेने। तो कभी कभी जैसे हम लोग लगा रहे होते हैं व्लॉग्स, लगता है कि रोज़ ही ग्रॉसरी करें, जबकि ऐसा नहीं है। ये तकरीबन 1-1 हफ्ते का दरमियान में गैप आ जाता है। तो बस बहरहाल, लेकिन नीचे से भी बहुत अच्छी तरह ये बिल्कुल पक चुकी है डो। तो जितना मर्ज़ी आप इसको मूव करें, ये पर से बिल्कुल भी गिरेगा नहीं कोई चीज़ इसके ऊपर। तो ये सबसे अच्छी डो की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। बच्चों के लिए मैं रखती हैं 2 पीस, जो कि ये बच्चे सुबह लेके जाएंगे इंशाल्लाह स्कूल। तो बस यही रेसिपी थी आज की। इसके अलावा हम लोग नेस्टो आ गए थे। नेस्टो, जब भी आप सऊदी अरब में रहते हैं, आपके चावल, आटा, चीनी, ये चीज़ें ख़त्म हों, तो हमेशा नेस्टो जाया करें। वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी ऑफ़र आती है, पहले से ऑफ़र देख लिया करें। ऐसा बाय चांस था कि हमारी हर चीज़ ही ख़त्म हुई हुई थी, जिसमें चावल, आटा, चीनी, तेल, सब चीज़ें थीं। कभी कभी इस तरह होता है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाती है घर में। तो यहाँ बहुत ही अच्छे, देखें 36 में मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी महंगे मिलते हैं। बहुत ही अच्छी ऑफ़र थी, ये हमने लिए। जब भी जाएँ 2 पैकेट ले लें, क्योंकि ये कभी कभी इस तरह के नज़र आते हैं राइस ये वाले। और इसके अलावा कुकिंग ऑयल, देखें सब ख़त्म हो गया है, बहुत थोड़ा बहुत रह गया है। इस पर बहुत अच्छी ऑफ़र थी, ये हमने लिया है। और हनी पे बहुत अच्छी ऑफ़र थी, यहाँ पे ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे होते हैं। तो जब भी आप जाएँ, अगर आप चाहते हैं कि 100, 200, 250 रियाल आपके बच जाएँ, तो ज़रूर यहाँ पे जाएँ। इसके अलावा हमने यहाँ पे आटा लिया, ये भी ऑफ़र पे था। पाकिस्तानी मीट यहाँ पे आया हुआ था, बहुत अच्छा हड्डी वाला मैंने इस दफ़ा मीट लिया है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छी, आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई, वेदर जैसे सर्दी आने वाली है, अजीब सा है। तो ज़रूर शोरबा ज़रूर बनाएं आलू गोश्त की तरह, हल्के नमक मिर्चों का बच्चों को ज़रूर पिलाएं, वो रोटी चूर के खिलाएं, तो देखेंगे बिल्कुल भी नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा बच्चों को इंशाल्लाह आपके। इसके अलावा और बस इसके अलावा देखें, मैंने प्याज कटिंग का एक ये अच्छी सी मशीन रखी थी, ये मैंने ली है। सुबह सुबह कटिंग करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, प्याज बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो वो मैंने लिया है।
कुछ यहाँ से हम लोग ओट्स से ले लेते हैं। बाकी तो मुझे नेस्टो की कोई ख़ास चीज़ें पसंद नहीं है। समोसे थोड़े से अच्छे होते हैं, इनके अलग से टेस्ट होता है उसका, उसमें कड़ी पत्ता आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें डली हुई होती हैं, पाकिस्तान से बहुत अलग टेस्ट होता है। तो वो देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद कुछ जेली वगैरह लेंगे बच्चों के लिए। फर्स्ट टाइम मैं ये वाली जेली यूज़ करूँगी, देखूँगी बना के कैसी बनती है ये। तो आजकल नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा सऊदी अरबिया में हो रहा है, मुझे भी काफ़ी नज़ला वगैरह हुआ हुआ है। पता नहीं है मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा है या नहीं, बस बहरहाल आजकल मौसम चेंज हो गया है तो नज़ला ज़ुकाम खांसी ये चीज़ें आ गई हैं। बस मैं लेने तो यहाँ पे चावल आटी आटा और चीनी लेने आई थी, लेकिन दो ट्रॉली भर गई हैं, पता नहीं हमने क्या चीज़ें ले ली हैं। बहुत ही अच्छी ऑफर आई हुई थी एक्चुअली। और इसके अलावा देखें ये लस्सी हमने यहाँ पे ली थी जो कि काफ़ी महंगी थी, लेकिन जस्ट 2 रियाल में मिली है, ये भी ऑफ़र पे थी तो इसको ट्राई किया, अच्छी थी ये। हमने ज़ाहिर इतनी प्यास लगी थी तो हमने ये वाली लस्सी ट्राई की और इसके अंदर अच्छी थी। थोड़ा टेस्ट अलग था कि जैसे गुलाब का एक महक सी आ रही थी, कुछ अलग था। बहरहाल मज़ेदार सी थी, ये हमने ली है। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे, बच्चों को हम छोड़ के गए थे। और ये वाला जो पाउडर है ये भी हमने ऑफ़र पे लिया था, और जब मैंने घर आकर देखा तो बिल्कुल इसी में बड़ा रखा हुआ था घर पे। कभी कभी इस तरह होता है, याद ही रहता। इसके अलावा मैंने ज़ीरा लिया था, क्योंकि जब भी हम पांडा जाते हैं तो ज़ीरा आपको इस तरह मिलेगा जैसे सौफ में उन्होंने कलर करके वो बेचते हैं, या अजीब सा जायका होता है उसका। तो ज़ीरा वगैरह भी ज़रूर आप नेस्टो लूलू इससे ज़रूर जब भी जाएँ ज़रूर लेके आया करें। और इसके अलावा पानी की बॉटल्स थी जो बच्चों को चेंज करनी थी, वो हमने वहाँ से ली, ये भी ऑफ़र पे थी। काफ़ी चीज़ें ऑफ़र पे मिली हमें वहाँ पे। इसके अलावा नेशनल का कुछ पैकेट थे, ये भी ऑफ़र पे थे। तो बहुत ही अच्छी ऑफ़र्स होती हैं नेस्ट्रो में, ज़रूर आप लोग भी ज़रूर जाएँ। इसके अलावा देखें देसी घी है, ये भी ऑफ़र पे मिला है। पत्ती, हर चीज़, जो भी ऑफ़र पे चीज़ें थी वो हमने ज़्यादातर वही ली हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब इतनी अच्छी ऑफ़र्स हो तो भी ज़रूर उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा मेरी बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है आजकल सर में, तो मैं उसके लिए ये लेके आई थी। बहुत इससे खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। नहाने से पहले लगाना होता है सर में। नारियल लेके आए थे। इसके अलावा हम लोग वहाँ से कुछ वेजिटेबल ली थी, ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं जो कि इसके अंदर मैं चिकन ऐड करके और फिर डिप करके बनाती हूँ बेसन में, बहुत अच्छी मज़ेदार बनती हैं, बहुत अच्छी आई थी फ्रेश, वो ली है। इसके अलावा देखिए मेरा वो बताया हनी भी ऑफ़र पे था वहाँ पे, वो लिया है। कुछ सेम की फली थी वो ली है। तो बस इस तरह की चीज़ें ली थी। एक दफ़ा जब हम ये चीज़ें ले आते हैं उनको रखना भी बहुत मुश्किल है। लेमन नज़र आ रहा है आपको, और सोडा आई थिंक है ये। तो बस कुछ चीज़ें ली थी जो कि काफ़ी ज़रूरत थी। करेले लिए थे मैंने, सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़्यादा वहाँ फ्रेश थी। तो बच्चों की ड्यूटी मैंने लगाई हुई है कि सब चीज़ें रखने की, तो मैं ये दिखाई थी चॉपर बहुत ही अच्छा है, सुबह सुबह इस आराम से इसके अंदर प्याज कट कर सकते हैं हम लोग आराम से। अदरवाइज़ ऑमलेट बनाने के लिए बहुत मुश्किल होती है प्याज कटिंग करना, मिर्चें बहुत ज़्यादा है यहाँ प्याज में। तो बस वैसे तो रखा हुआ है लेकिन जो कि बिजली पर चलता है, लेकिन ये बस हैंड चॉपर है, मुझे अच्छा लगा बस जल्दी से, मैंने कहा इसका भी यूज़ कर सकता है इंसान, तो ये मैंने लिया है। और इसके बाद जो खाना वगैरह था वो पका के गई थी, दाल पका के गई थी। देखिए इस तरह बहुत फ़ायदा हो जाता है जब भी कहीं बाहर जाए शॉपिंग करने, समझ ही नहीं आता कि वापसी में क्या लो। और बस मैं राइस बना रही थी, काफ़ी अच्छे राइस है, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के हैं ये। और बनास्पति, सॉरी बनास्पति नहीं, क्या है बनास्पति, सॉरी बासमती राइस जो है वो है ये, जो कि पाकिस्तान के हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। 2 कप बनाओ तो बहुत ज़्यादा देगची बिल्कुल फुल हो जाती है, ज़रूर आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो जब भी जाए अगर ऑफ़र पे हैं तो एक साथ 2 ले लिया करें। तो बस हमने, मैंने थोड़े से वो पकाए हैं राइस दाल के साथ। इसके अलावा कुछ बन है तो बस मैं आके लेट गई थी, थोड़ा रेस्ट किया, आके काफ़ी थक जाते हैं जब भी लूलू नेस्टो जाओ, बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है आके। तो बच्चों की ड्यूटी लगाएं कि बच्चे सारे वेजिटेबल और सारे फ्रूट सब चीज़ें फ्रिज में रखें और बाकी सब चीज़ें भी। इसके साथ ही दाल हमारी पकी हुई है और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको गर्म कर लूँगी। राइस मैंने साथ बनाए थे इसके, और बस तड़का मैं उसी वक्त लगाती हूँ ताकि लगे कि फ्रेश फ्रेश है। तो बस हम इसके अंदर अच्छा सा तड़का लगाएंगे बहुत कम से तेल में, और फिर इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे। तो
बस देखिए मैंने अच्छा तड़का लगा लिया है, गर्मा गर्म खाना बिल्कुल रेडी हो, और इस तरह का सब सिंपल सा खाना होता है तो वो और अच्छा लगता है। अदरवाइज़ वापसी में शॉपिंग के अगर खाना जैसे साथ लेके आओ, कोई पिज़्ज़ा लाओ बर्गर लाओ, तो वो बहुत हेल्दी नहीं रहता। तो बेहतर है घर का अच्छा सा देखें कितना साफ़ सुथरा खाना है, बस और कुछ मिनट ही लगते हैं चावल उबलने में। हमारी अम्मी भी यही किया करती थी, जब भी हम शॉपिंग पे जाते थे हमेशा घर में खाना पका हुआ होता था। तो ये खुद ब खुद हम वो सब चीज़ें करते हैं जो कि अपनी माँ को देखते हैं। तो बस यही बात है कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि घर का खाना ही खाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और जब कभी पिज़्ज़ा बर्गर घर में बना लें तो फिर नेक्स्ट टाइम या अगले दिन पे बिल्कुल दाल चावल आलू की कतलियाँ इस तरह बिल्कुल कोई सब्ज़ी सादा सा खाना खाया जाए ताकि बैलेंस हो जाए। फिर कुछ मैंने सैलेड बनाई थी इसके साथ और मैं अब माशाल्लाह इंजॉय करूँगी, कुछ अचार है। तो बस यही था आज का ब्लॉग, सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।